हेलो विद्यार्थियों, तो ये जो है आपका 27 फरवरी के लिए जो है एक वायरल मॉडल पेपर है मैथ्स का, और यहाँ पर जो है इसका संपूर्ण हल विद पीडीएफ जो है मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पेपर को पूरा समझना है। जब आप पेपर को अच्छी तरह से समझ लेंगे यहाँ पर, तब आपको यहाँ पर जो है 90+ नंबर गेन करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक पूरा बने रहिएगा ताकि आपको यहाँ पर जो है सब कुछ क्लियर हो सके। इसके अलावा इसका संपूर्ण हल जो है और इसके साथ इसकी पीडीएफ भी आपको मिल सके। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं समय तो आपको पता ही है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको यहाँ पर समय मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मैथ्स के पेपर में कुल जो है कितने प्रश्न होंगे, टोटल आपको यहाँ पर 9 प्रश्न जो है मिलेंगे। और यहाँ पर ये आपका 100 नंबर का होगा, ये भी आप सभी को पता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल 9 प्रश्न है और सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में जो है स्पष्ट उल्लेख आपको दिए गए हैं कि कितने खंड आपको यहाँ पर करने हैं, ये सब कुछ आपको दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है यहाँ पर आपको उनके सामने दिए गए हैं। इसके अलावा प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता हो व्यर्थ समय ना नष्ट कीजिए। ये पेपर में भी आपको निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर आपको समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूंगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, इसके अलावा जो आपका 7 और 8 है, ये तीनों प्रश्न जो है आपके 8-8 नंबर के होंगे, ये तो आप सभी को पता है। इसके अलावा सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि इन सभी में आपको 2-2 प्रश्न दिए जाएंगे और इन सभी में आपको 1-1 ही यहाँ पर करना होगा। इन तीनों खंडों में यानी कि यहाँ पर जो है आपका 7, 8 और 9, इन तीनों में आपको 1-1 प्रश्न करना है और सभी प्रश्न कितने नंबर के होंगे, 8 नंबर के, यानी कि सभी में आपको 1-1 ऑप्शन में जरूर मिलेगा। तो सबसे खास बात यही है कि यहां पर जो है आपके ये 8 नंबर वाले क्वेश्चन जो है कोई भी स्किप नहीं होने चाहिए, यानी कि छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि सभी में आपको यहां पर 1-1 क्वेश्चन जो है ऑप्शन में दिया गया है। तो इसलिए आपको यहां पर इन्हें अच्छे से करना है। इसके अलावा इनकी खास बात यह है कि इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा रिपीट ही होते हैं, जैसे कि एक ये क्वेश्चन, ये आपका आएगा जरूर, तो 8 नंबर तो यहां से आपके कंफर्म ही है। बस आपको तरीका देखना है कि कैसे करना है, सब कुछ सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपका हर बार आता है। इसके अलावा मैं बात, तो यहां पर ये क्वेश्चन हो गया, ये भी आपका हर बार देखने को मिलता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 8 नंबर में जो हर बार वही आते हैं, तो वही आपको यहां पर बता दिए जाएंगे और उन्हीं को आपको यहां पर अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहां पर आप इसकी बात कर सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न नंबर 5, देखिए प्रश्न नंबर 5 और इसके अलावा 6, ये दोनों प्रश्न जो है आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये 2 प्रश्न जो है केवल 50 नंबर गेन करेंगे, यानी कि केवल अगर आपने इन 2 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पर जो इससे आपको 50 नंबर यानी कि आधे मार्क केवल यहाँ पर इन 2 क्वेश्चन से मिलने वाले हैं, यानी कि 5 और 6। यहाँ पर जो है आप सभी को पता होना चाहिए कि इन सभी में आपको यहाँ पर 5-5 प्रश्न दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न जो है 5-5 नंबर के होंगे। तो यहां पर टोटल जो है प्रश्न नंबर 5 और 6 इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, 10, और 10 25 50, यानी कि केवल इन 2 क्वेश्चन से जो है आपको यहां पर 50 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहां पर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर बार रिपीट ही होते हैं, जैसे कि आपका ये दिया गया है संबंध और फलन का, यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया गया बस ये बदले गए, यानी कि जैसे कि यहां पर बोला गया कि 2 से ये विभाजित करता है, कभी कभी यहां पर दे दिया जाए कि 7 से विभाजित करता है, या फिर a-b की जगह पर x-y दे दिया जाएगा, यानी कि बस थोड़ा सा परिवर्तन होता है, बाकी सेम क्वेश्चन ये आपका सबसे ज्यादा रिपीट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग याद रखिएगा यहां पर। इसके अलावा यहां पर मैं बात करूं आपका जो सारणिक है, इससे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जरूर एक। इसके अलावा अगर अवकलन की बात करें, तो ये क्वेश्चन आप सभी को बताया गया है कि जब भी फंक्शन के ऊपर कोई फंक्शन दिया गया हो तो वहां पर हमेशा हम लोग इसे करने के लिए क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। सबसे पहले यहां पर लॉग लेना रहेगा और उसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करेंगे। ये आपका निश्चित समाकलन का है, सबसे पहले आप समाकलन करिए, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स है, अब आपको साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं बताया गया, लेकिन आप सभी को पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है यहाँ पर 1-2 साइन
स्क्वायर एक्स, इस तरह से आप फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां से आप साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे, आप इसको इधर लाएंगे, तो इस तरह के फॉर्मूले यूज करके आपको यहां पर इनका समाकलन करना रहेगा। तो ये सब कुछ आपको यहां पर बताया जाएगा और इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जैसे कि मैं ये क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन भी आपका सबसे ज्यादा रिपीट होता है न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का। बस इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो आपका ये वाला पार्ट दिया गया है ये ज्यादातर किसी किसी में आपका समान रहता है और किसी किसी में अलग रहता है। जैसे कि यहां पर देखिए समान दिया गया दोनों में 2y प्लस 3z प्लस 6 के, यहां पर भी वही दिया गया। तो अगर समान होता है ये दोनों में तो दूसरा फार्मूला लगता है, और अगर अलग अलग होते हैं तो यहां पर हम लोग दूसरा फार्मूला यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर संतत और असंतत से एक क्वेश्चन आएगा जरूर, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो परवलय दिया गया, इनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं समतलों दिए गए हैं, दो समतल और इनके प्रतिच्छेदन तथा बिंदु से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए सदिश समीकरण ज्ञात करने का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे आपको प्रतिच्छेदन दे दिया गया ये चीजें यहाँ पर बदलेंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बताए भी गए हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये 5 नंबर तो आपके कंफर्म है, क्योंकि इस चैप्टर से इसी टाइप का एक क्वेश्चन निश्चित है आएगा। बस आपको यहां पर कॉन्सेप्ट समझना है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इस क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि यहां पर बस समीकरण सॉल्व करना रहता है और समीकरण सॉल्व करना आप लोग कक्षा 8 से सीख रहे हैं। बस यहां पर जो ग्राफ बनाया जाता है उसी को आपको अच्छे से समझना है, अगर आपने उसे समझ लिया तो यहां पर भी आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका प्रायिकता का दिया गया, प्रायिकता से भी आप सभी को पता होना चाहिए कि टोटल प्रायिकता से 10 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रायिकता से जो क्वेश्चन है वो भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बस कुछ फॉर्मूले बेस्ड होते हैं और कुछ यहां पर जो आपको तरीके से करना होता है, तो ये चीजें आपको यहां पर सीखनी पड़ेंगी। बाकी इसके अलावा जो आपका पहला क्वेश्चन होगा, पहले क्वेश्चन में आप सभी को पता है कि यहां पर जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे 5 होंगे। सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो एक एक नंबर के होते हैं, यानी कि टोटल यहां से आपको 5 नंबर जो है वो मिलेंगे। इसमें भी जैसे कि संबंध और फलन का एक क्वेश्चन आएगा जरूरी, आप सभी को पता है। और यहां पर मैं बात करूं तो संबंध और फलन से एक के अतिरिक्त दो, कभी कभी दो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ये भी याद रखिएगा। संबंध और फलन से आपका एक ऑब्जेक्टिव आएगा ही जरूर, देख सकते जैसे यहां पर यह दिया गया है, ये भी आपका संबंध और फलन ही है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं ये समाकलन का दिया गया है, ठीक है, तो समाकलन के भी यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आएंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अवकल समीकरण की, इससे आपसे कोटि और घात वाला क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो कोटि और घात निकालना आप सभी को बता दिया गया कि जितनी बार अवकलज करते हैं, जैसे कि d2y और dx स्क्वायर दिया गया, इसका मतलब यहां पर इसका अवकलज कितनी बार हुआ, दो बार। तो जब दो बार हुआ है तो इसकी कोटि कितनी होगी, दो होगी, और जिसकी कोटि बताते हैं घात हमेशा उसी की बताते हैं। अगर घात पूछी जाएगी तो यहां पर इसकी घात कितनी मानी जाती, 1। तो यहां पर इसका भी क्वेश्चन आपका हमेशा रिपीट होगा। इसके अलावा जो यहां पर इसका प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, इस प्रश्न में भी आपके यहां पर एक एक नंबर वाले जो है टोटल 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ये 5 क्वेश्चन आपको एक एक नंबर वाले दिए गए। इसमें आपको एक क्वेश्चन जो है अक्सर यहां पर जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का देखने को मिलेगा, ये जो आपका यहां पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हो गया, ये आपका संतत का दिया गया। जो ये क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन अक्सर एक नंबर में यहां पर दे दिया गया, लेकिन ये जो है आपको 2 नंबर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर कोटि और घात से यहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर देखिए ये वाला जो भी मैंने बताया था आपका अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, यहां पर रैखिक प्रोग्रामन का ये भी एक क्वेश्चन दिया गया है, वहां पर 5 नंबर का एक था, एक ये एक नंबर का है, क्योंकि मैंने बताया रैखिक प्रोग्रामन से टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो 5 का एक मिला था और ये एक आपको एक नंबर का दिया गया, तो 6 नंबर के क्वेश्चन आपको इससे भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने प्रायिकता के बारे में बता ही दिया कि प्रायिकता से आपके टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और सबसे ज्यादा यहां पर जो नंबर मिलेंगे वो आपको कलन से मिलेंगे, यानी कि टोटल कलन में जो है आपके 44 नंबर के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। अब कलन की बात की जाए तो कलन में आप सभी को पता होना चाहिए टोटल 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर का मतलब यहां पर एक तो आपका सांतत्य तथा अवकलनीयता हो जाएगा, एक आपका सांतत्य और अवकलनीयता हो जाएगा, इसके अलावा मैं बात करूं तो दूसरा आपका अवकलन हो जाएगा, इसके अलावा मैं बात करूं तो अवकलन के जो है आपका अनुप्रयोग हो जाएगा, तो एक आपका सांतत्य हो गया, अवकलन हो गया, अवकलन के अनुप्रयोग हो गया, इसके अलावा आपका एक समाकलन हो गया, इसके अलावा आपका यहां पर समाकलन के जो है अनुप्रयोग हो जाएगा,
इसके अलावा आपका अवकल समीकरण हो जाएगा, तो ये जो है आपके इसमें ये कलन के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके टोटल 44 नंबर जो है वो मिलेंगे, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको यहाँ पर इसी पर करना है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसमें जो ये क्वेश्चन दिया गया, जैसे कि यहाँ पर d2y/dx² ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है यहाँ पर आपके दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। देखिए जो दो दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं कि 3 और इसके अलावा प्रश्न नंबर 4, इन दोनों में जो है आपके दो दो नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, और इनकी संख्या जो होती है वो टोटल कितनी होती है 8, यानी कि 8 क्वेश्चन होंगे जो कि दो दो नंबर के होंगे, यानी कि टोटल 16 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो किससे आते हैं, कलन से आते हैं। इसके अलावा मैंने बता दिया कि 5 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आएंगे जिससे आपको 50 नंबर मिलेंगे, ये भी आप सभी को बता दिया गया है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर जो है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो अभी 8 बजे से कराया जाएगा। इसकी क्लास जो होगी वो 8 बजे से स्टार्ट होगी, ठीक है, जहाँ पर इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा, और ये क्लास जो है हमारे सेकंड चैनल यानी कि LV क्लासेस पर होगी। यहाँ पर ये आप YouTube पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं LV क्लासेस, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है चैनल का, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। LV क्लासेस ये आप सर्च कर लीजिए, वहाँ पर जो है आज 8 बजे से जो है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा, और इसकी PDF आपको LV क्लासेस ऐप पर मिलेगी, ठीक है, तो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर जो है मैथ्स की पूरी तैयारी यानी कि केवल 2 दिनों में जो है आपको यहाँ पर 95+ नंबर गेन कराने का पूरा प्लान बना दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा 2 दिनों में मैथ्स का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा, सारी क्लासेज आपकी लाइव होंगी। तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए, जाकर अभी तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी 8 बजे से ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा जो एक वीडियो भी आपका प्रोवाइड कर दिया गया है जिसमें पूरा प्लान बताया गया कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, उसको भी आप देख लीजिए, ताकि आपको कन्फर्म रहे कि कौन सी क्लास कब होगी, और इसके अलावा किस तरीके से आपको यहाँ पर सब कुछ तैयार कराया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को जो है यहाँ पर क्लासेस का टाइम पता चल सके, इसके अलावा सभी की तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। धन्यवाद।